आपको। हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त टेक गुरु। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, होप आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। क्यों नहीं बना रहा था इतने टाइम से वीडियो में दोस्तों, क्या रीजन है पता है इसके पीछे? अगर आप यहाँ पे आ ही नहीं सकते हो, वीजा ही बंद है, फ्लाइट्स बंद है, तो मैं आपको मोटिवेट क्यों करूँ जो आप चीज कर ही नहीं सकते हो, सही है ना? तो अभी जो है ना, ये जो एक दो महीने का टाइम जो गुजरा है अभी लॉकडाउन का, उसमें अपने घर पे रहना ही बहुत इम्पोर्टेंट था। घर में रहना, सेफ रहना, ये इम्पोर्टेंट था। तो अब जो है वो क्यों बना रहा हूँ, तो अभी वो टाइम निकल गया है दोस्तों, ठीक है। अभी जल्दी से जल्दी गुड न्यूज़ आएगी, फ्लाइट शुरू हो जाएंगी, वीज़ा शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे जो लोग हैं वो इंडिया जा सकते हैं, इंडिया के जो लोग हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। कन्फर्म डेट अभी पता नहीं है, जैसे ही कन्फर्म डेट पता चलती है मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो जिसको भी दुबई आना था जॉब रिलेटेड, वो अपनी तैयारी शुरू कर सकता है अभी, ठीक है, क्योंकि जल्दी कभी भी हो सकता है फ्लाइट्स और वीज़ा जो है वो ओपन हो जाएंगे। काफ़ी लोगों को एक डाउट ये था दोस्तों कि काफ़ी लोगों ने जो वीज़ा लिए थे पहले, जो 17 तारीख को जो कैंसिल हो गए थे यहाँ आने से पहले, तो उसके रिलेटेड अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है कि उन वीज़ों का क्या होगा। जैसे ही कोई न्यूज़ आती है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। और बस जिसको भी यहाँ पे आना था वो अभी तैयारी शुरू करे, मेंटली प्रिपेयर होना शुरू करे, अपनी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो क्लियर करे और रेडी रहे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों कि दुबई किसी के लिए रुकता नहीं है, ठीक है। काफ़ी लोगों को शायद ये लगा होगा अब लॉकडाउन के वजह से, और लॉकडाउन यहाँ पे रात के समय था दोस्तों, यहाँ पे पूरा टाइम लॉकडाउन नहीं था। लॉकडाउन मतलब वो भी स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम था, मतलब उस टाइम आपने बाहर नहीं जाना है, बाहर यहाँ पे ये लोग सारे जगह पे स्टेरिलाइजेशन कर रहे थे, ठीक है। वैसे भी दुबई पहले से भी नहीं रुका था, ना आगे रुकेगा, ना अभी रुका है, ठीक है। तो काफ़ी लोगों को मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे, एक तो एक बहुत बड़े चैनल ने भी एक वीडियो बनाया है, मतलब वो न्यूज़ चैनल है, कि उन्होंने काफ़ी सारी खामियां दिखा के कि ये हो सकता है दुबई में, वो हो सकता है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग से निकालो, ठीक है। दुबई ना किसी के लिए रुका था, ये कोविड का अगर फादर भी आ जाए ना तो भी दुबई कभी आगे इन फ्यूचर नहीं रुकेगा, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम इन लोगों ने बहुत अच्छा किया है, प्लस यहाँ के जो लोग हैं ना वो यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। मतलब देखो यहाँ पे सारे इंडियन लोग काफ़ी लोग हैं, तो यहाँ पे वो लोग रूल फॉलो करते हैं। इवन मैं भी यहाँ पे रूल फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मास्क पहनता हूँ, ग्लोव्स पहनता हूँ, यहाँ पे वहाँ पे हाथ नहीं लगाता हूँ। मतलब लोग यहाँ पे जो है वो रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। तो बस जल्दी से जल्दी यहाँ पे अभी फ्लाइट भी शुरू हो जाएंगी, वीज़ा भी शुरू हो जाएंगे, ऑलमोस्ट सारा यहाँ पे मार्केट अभी ओपन हो चुका है। अब मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था दोस्तों कि आप रेडी रहिए। अभी क्या हो गया था, काफ़ी लोग जो है, लास्ट जो मैंने लाइव लिया था उसमें मैंने ये पॉइंट बताया था, शायद आप किसी ने देखा नहीं होगा, मगर ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब फ्लाइट्स बंद होने वाली थी तो उसके पहले काफ़ी लोग यहाँ से डर के भाग गए थे, जॉब छोड़ के भाग गए थे, कि उनको लगा था शायद फ्लाइट ओपन ही नहीं होंगी या हम लोग वापिस ही नहीं जा पाएंगे। इस वजह से काफ़ी लोग जो है ना यहाँ पे जॉब छोड़ के भाग गए। तो अभी जैसे आपको पता होगा इंडिया में, मुंबई में मैंने अभी काफ़ी सारी न्यूज़ ये देखी है कि वहाँ पे जो है वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं कंपनियों के लिए, क्योंकि वो लोग क्या हो गया, हर जगह जहाँ से बंदा आया था वहाँ पे चले गए। तो ये कंडीशन अभी यहाँ पे भी होने वाली है, जब फ्लाइट ओपन होगी, वीज़ा शुरू होंगे, तब मार्केट तो सारा ओपन है मगर काफ़ी जगह पे वैकेंसीज होंगी। तो मौके पे चौका मारना है दोस्तों आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडी रहिए, जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं उसके लिए भी रेडी रहिए, और जो लोग इंडिया से जॉब सर्चिंग करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी मैं बताना चाहता हूँ कि वो लोग अप्लाई करना शुरू करें, ठीक है। क्योंकि काफ़ी जगह पे क्या हुआ था, ऑलमोस्ट यहाँ पे सारा ओपन हो गया दोस्तों, आप हर जगह पे यहाँ पे जा सकते हो, मॉल्स ओपन हो गए हैं, ऑफिसेस ओपन कर दिए, क्योंकि यहाँ पे बंद रख के वैसे भी कोई फायदा नहीं था, ठीक है। बस आपको ये वीडियो बनाने का मकसद ये है दोस्तों, मैंने देखा मेरे काफी दोस्त जो है जो बिजनेस करते हैं इंडिया में या यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा टेंशन में आ गए थे, यार क्या होगा हमारे साथ आगे, क्या होगा ये COVID-19 जो वायरस है इसका कुछ पता नहीं चल रहा है, ये वो। देखो लाइफ में कभी डगमगा नहीं
डगमगाना नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये सिचुएशन आए थी, ये तो पहले थी, अभी भी है, आगे भी शायद हो सकती है, इससे कुछ बड़ा भी वायरस इस प्रकार आ सकता है लाइफ में, इससे डगमगाना नहीं है। इसमें हमने कभी भी सॉल्यूशंस निकालने हैं, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना है। स्टार्टिंग के डेज में मुझे भी थोड़ा सा लगा था, फील हुआ था कि आगे किस तरीके से होगा, क्या होगा, हालात किस तरीके से बनेंगे, मगर अगर आप अच्छी पॉजिटिविटी रखते हैं आपके अंदर तो आपके साथ भी एक अच्छा ही होता है। पता है आपको, एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो बंदा बहुत डरता है ना फ्यूचर को लेके कि मेरा आगे कैसे होगा, बिजनेस नहीं चल रहा है, तो वो बंदे सुबह सुबह जब उठते हैं ना तो वो ऐसे एक शौक के साथ उठते हैं, मतलब जैसे उठते उनके दिमाग में पहले वही बात होती है कि बिजनेस का क्या होगा। दोस्तों इतनी सोचो नहीं, बस पॉजिटिविटी रखो, सब ठीक होने वाला है, ठीक है। जो भी चीज़ है वो आएगी भी और ख़त्म भी हो जाएगी, बस अभी सारा चल रहा है तो इन फ्यूचर सारा ठीक ही होगा, ठीक है। तो बस लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए ना, डगमगाना नहीं है, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये। चलो यही आपको बातें कहनी थी इम्पोर्टेंट। अभी जो है मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाए थे दोस्तों, मगर अभी मैं कोशिश करूँगा डेली एक दो वीडियो या एक दो दिन में एक दो वीडियो मैं लेकर आऊँगा, नए रिलेटेड विद जॉब्स होंगे, ठीक है। काफ़ी टाइम से नहीं डाली थी क्योंकि यहाँ पे कोई आ ही नहीं सकता, तो वीडियो बनाना यूजलेस था, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर आप नए चैनल पे हो तो मेरे पिछले वाले वीडियोस देख लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बने हैं। शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ और जुड़े रहिए टेक गुरु चैनल के साथ। जो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको दिया है या होता है यहाँ पे वहाँ पे ऊपर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में, उसके साथ भी आप कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं रिलेटेड विद, अगर आपका कोई वीज़ा का प्रॉब्लम हो, ठीक है, किसी को विजिट वीज़ा का लेना है देना है उस रिलेटेड, या कोई भी आपकी क्यूरी हो सकती है। मैं बहुत सारे प्लान्स अभी लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, वन बाय वन मैं रिवील करूँगा सारा कैसे क्या होगा। बस का लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, बाय बाय।